मैं डॉक्टर अजमा ज़हरा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बेसिकली होम्योपैथ हूँ, लेकिन मैं जेमाथेरेपी के जरिए अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करती हूँ। आज मैं आपको सोरायसिस के बारे में बताऊँगी। सोरायसिस एक स्किन डिजीज़ है, ये इनहेरिटेंस में होता है। अगर तो वालदा की तरफ से 8% जो है वो जनरेशन में आता है और वालिद की तरफ से 41%। और जैसे हमारे बॉडी में ये सेल्स का प्रोसेस होता है ना, ये 300 घंटे का होता है, लेकिन जब ये बीमारी हो जाती है तो सेल्स जो होते हैं ना वो 36 की उनकी लाइफ होती है, 36 आवर्स की है, तो इसके अंदर वो पूरे मेच्योर नहीं हो पाते हैं। तो क्या होता है कि वो स्किन के ऊपर खारिश स्टार्ट हो जाती है और वायरल अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इसका ट्रीटमेंट हमारे पास बहुत बेहतरीन है जेमोथेरेपी के अंदर, तो आप कोई सा भी ट्रीटमेंट करा के देखें, एलोपैथिक का करा, लेकिन इफेक्ट्स नहीं आएंगे। हम जेमोथेरेपी का ट्रीटमेंट करते हैं, ये बीमारी ऐसी कि एक दफ़ा इंसान को हो जाए जब तक उसकी हयात है, जब तक वो रहती है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट जेमोथेरेपी के जरिए हम इस तरह से करते हैं कि ये जो है ना वो 10% खाली बॉडी में रह जाती है। और जब स्किन की कोई भी बीमारी हम लोगों को हो जाती है तो उस पर इचिंग होती है, खारिश होती है, बंदा परेशान होता है, बेचैन रहता है। यानी पेशेंट की ऐसी कंडीशन होती है, पेशेंट आता है तो हमें इस तरह की कंडीशन बता रहा है, ठीक है। तो उसकी हम अलग अलग मेडिसिन होती हैं, अलग अलग एंटीबॉडीज होते हैं, अलग अलग इंजेक्शन हम पेशेंट्स को देते हैं। अच्छा, ये जो सोरायसिस की बीमारी है, जब हमारे पेशेंट्स को हो जाती है तो उनका ट्रीटमेंट जब जेमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं तो उसके 5 तरह की मेडिसिन हम उसको दे रहे होते हैं। सल्फर, ग्रेफाइट, इस तरह की मेडिसिन पेशेंट को देते हैं।